महिला आरक्षण बिल को लेकर नई संसद भवन में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस शेर लेने की होड़ में लगी हुई है, कांग्रेस शेर लेने के लिए रेस लगा रही है। ये बात लोगों के समझ में आई, लेकिन ममता बनर्जी भी इस रेस में शामिल हो गई। महुआ मोइत्रा ने तो ममता दीदी को महिला आरक्षण की माता करार दे दिया। इसी बीच गीता मुखर्जी का नाम भी गूंजा। इससे पहले सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल उनके जीवन साथी राजीव गांधी का सपना और उनकी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। इसकी काट में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज का नाम लिया। एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या है महिला आरक्षण का इतिहास। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही मई 1989 में सबसे पहले ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए तिहाई आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, और इसके जरिए पहली बार उन्होंने निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण का बीज बोया। हालांकि विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। बता दें कि 1992 और 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संविधान संशोधन विधेयक 72 और 73 को फिर से पेश किया। इसके जरिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सभी पदों पर एक तिहाई आरक्षण लागू किया गया। इसका असर यह हुआ कि अब देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में लगभग 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है। 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने पहली बार महिला आरक्षण बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया। विधेयक को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिली। लालू, मुलायम और शरद यादव जैसे नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी के भी कुछ सांसदों ने विरोध किया। इसके बाद बिल को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। गीता मुखर्जी समिति ने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कुल 7 सिफारिशें की गई थी। हालांकि लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाया। हालांकि इस बार भी विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका। इसे 1999, 2002 और 2003 में भी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पेश किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब बात करते हैं गीता मुखर्जी की, जिनकी चर्चा लोकसभा में हुई। गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति ने 1996 के महिला आरक्षण विधेयक की जांच की और उससे जुड़ी 7 सिफारिशें पेश की थी। इनमें से 5 को 2008 के महिला आरक्षण बिल में शामिल किया गया था। ये सिफारिशें हैं: 15 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण, दूसरा एंग्लो इंडियंस के लिए उप आरक्षण, तीसरा उन मामलों में भी आरक्षण का प्रावधान जिस राज्य में लोकसभा में 3 से कम सीटें हैं, एसटी के लिए 3 से कम सीटें हैं, चौथा दिल्ली विधानसभा के लिए आरक्षण, और 5वां एक तिहाई से कम नहीं शब्दावली को जितना संभव हो सके एक तिहाई आरक्षण शब्दावली के रूप में बदलना। वही सरकार ने 2 सिफारिशों को 2008 के विधेयक में शामिल नहीं किया था। उनमें पहले राज्यसभा और विधान परिषदों में सीटें आरक्षित करना है, और दूसरा संविधान द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोटा देना शामिल है। हालांकि कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में आम सहमति तक पहुंचने में विफल रही थी। समिति ने अनुशंसा की थी कि विधेयक को संसद में पारित किया जाए और बिना किसी देरी के अमल में लाया जाए। तब समिति के 2 सदस्यों वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार ने ये कहते हुए सहमति जताई कि वो महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया उससे वो सहमत नहीं हुए। उनकी 3 सिफारिशें थी: प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना 20% टिकट महिलाओं को देना चाहिए, दूसरा वर्तमान स्वरूप में भी आरक्षण 20% सीटों से अधिक नहीं होना चाहिए, और तीसरा ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उसी प्रस्तावित आरक्षण में कोटा होना चाहिए। फिलहाल हुए मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।